भाई वो चारों तरफ समुंदर और बीच में ये ट्रेन। भाई सच बताऊं डर हमें भी लगा। वैष्णो देवी वाली फील आ रही है, वैष्णो देवी पे चढ़ाई होती है। तो भाई देखो टाइम ऐसे ही बीतता है। आ जाते हैं ना भाई, ये मंदिर ना 1500 साल पुराना है। 1500 साल आगे भाई देखो सामने मंदिर है, यही मंदिर है। आगे भाई एलिफेंट के व्यू देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो बच्चे होंगे। तो भाई आज तुम्हारे भाई का मुंबई ट्रिप का लास्ट डे है, ठीक है। तो अनिल भाई हमने समुद्र तो पूरा घूम लिया, अब तू बता कहाँ जाए। समुद्र पार कैसे भाई, समुद्र पार कैसे। फेरी जाती है। फेरी भाई एरा फेरी नहीं, लॉयल काम करेगा भाई। एरा फेरी वेरी का काम है। फेरी जाती है मतलब बोट जाती है। बोट अच्छा, नाव कहाँ से भाई जाती है। नाव यहाँ तो कोई नाव नहीं दिख रही है। अच्छा गेट ऑफ इंडिया से। अच्छा भाई तो चलते अपन लोग भी देखते हैं भाई, ठीक है। तो भाई जो भी होगा इस ब्लॉग में बताने वाला है, इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना। और भाई ये थोड़ी सी कॉमेडी थी, पता है क्या भाई, एलिफेंटा केव जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो तुम्हें हंसाने के लिए थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, ठीक है। तो जो भी होगा इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देना, बिल्कुल स्किप मत करना, और बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अपन लोग, जब तक आप लोग सिनेमैटिक सीन का मजा लो। तो आगे भाई अब टिकट विकट का देखते, टिकट कहाँ मिलती है अभी मेरे को खुद पता है नहीं, ठीक है। कुछ पास के देखते हैं टिकट विकट किधर है, फिर लेते हैं निकलते हैं। भैया टिकट किधर मिलती है इसकी, एलिफेंटा वगैरह की सामने। तो भाई ये रहा इतने ढूंढने के बाद हमें मिली है ये भाई टिकट विकट की शॉप। तो भाई देखो यही पोस्टर है, अपने आप से देख लो, चाइल्ड की 125 है और अडल्ट की 165, देखो उससे भी ऊपर की 260, ठीक है। चलो ये टाइमिंग है, मंडे को क्लोज रहता है। तो भाई अनिल की तो हालत खराब हो गई थी, तो अपने इकबाल भाई आ गए, तो भाई भी आए हैं, ठीक है। तुमको तैरने आता है। नहीं भाई मेरे को इधर नहीं आता। मेरे को आता है भाई। भाई तैरना आता है भाई, हमें बचा लेता है, ठीक है भाई। मेरे को भी नहीं आता। तो भाई एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। भाई आगे गेट ऑफ इंडिया, अब फेरी कहाँ से इधर से जाएगी, इधर से लाइन लगी है ना। चलो भाई देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं भाई। वो कह रहा था भाई डूब जाएंगे, हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो रही थी। मैं कहा तू रहने दे भाई, मैंने इकबाल भाई को फोन मारा, अपने इधर ही मुंबई में ही रहते हैं भाई। ब्लॉग देखते हो ना मेरा, मतलब लगता है एक नंबर भाई। इनका ब्लॉग देखो, इनको फॉलो करो, लाइक करो। तो भाई टिकट ले लिया, ठीक है, फेरी की लिया। अगर एग्जाम में पूछे तो बता दो। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पूरे नंबर मिलेंगे। इधर फेरी वेरी खड़ी है सारी गेट ऑफ इंडिया के पीछे। आगे भाई फेरी, ऊपर ही बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, ऊपर चले आएंगे। आंदो पीछू, आंदो पीछू, आंदो 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 पीछू आंदो, ये बढ़िया, बस गुड बॉय भाई। चलो मैं कह रहा हूँ कोई जलपरी दिख जाएगी तो क्या करेंगे। तुम बड़ा हरामी हो बेटा। जलपरा बन जाने का, जलपरा बन जाएंगे, जलपरी मिनट से पहले। इधर कोई जलपरी, इधर कोई नहीं दिखेगा, इधर पापा की पड़ी, इधर दिखेगा पानी और बाप का मगरमच्छ। तो भाई वो देखो वो ना बंदर का है, इंडिया का मतलब सारा सामान इधर ही आता है मुंबई का, है ना। आर्मी का उधर है, ये नॉर्मल वाला है। ये भाई खड़ी सीढ़ी एकदम ही यार, ऐसे तो कोई गिर जाएगा मुंह ही टूट जाएगा। हालत तो खराब हुई, देखो कितनी प्यारी लग रहा है। देखो
ये देखो भाई मार्केट वगैरह है इधर। मेरे को फ्रूट देखा चारों तरफ, मतलब समुद्र के हैं वो पहाड़ पहाड़। चारों तरफ समुंदर और बीच में ये ट्रेन। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो देखो भाई भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नहीं 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 भाई कर रहे भाई सच बताओ डर हमें भी लगा, लेकिन अनिल अनिल बोल रहा था भाई कि मेरे को डर लग रहा है भाई डर तो हमें भी लगाते ये तो बात है। भाई ले ली टिकट यही है, बुरा मत मानियो भाई कहीं बुरा मान जाए बुरा नहीं। चलो इधर भाई यूं चढ़ाई है यूं करके चढ़ाई है क्या है पता कैसे भाई वैष्णो देवी वाली फील आ रही है, वैष्णो देवी पे चढ़ाई होती है ना बेचारा वैसी ही करनी पड़ी हां वैसी फील आ रही है फिर उतरते हां हां भाई खतरनाक अच्छा लग रहा है। आगे शांत रहो आगे। नमस्ते 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 खुश रहो खुश रहो। नमस्ते 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 हो गया। तो भाई देखो टाइम ऐसे ही बीतता है, टाइम की कदर करो है ना, एक एक वक्त कीमती है भाई। ये रो अच्छा है ये कभी आपस नहीं जाता, अच्छा लग रहा है ना। आ गए भाई एलिफेंटा केव, अब चलते हैं अंदर। चलो अंदर चलते हैं, अंदर चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। वाला तुम भी पहली बार आए ना, पहली बार आए। एक गाना गाता उसके गांव भाई। एक चीज है जब से एंट्री किया जब से टिकट ही टिकट हर जगह टिकट। यार फ्री में पैसा लूट रहे हैं क्या, लूट मेरी हालत इतनी बुरी है मैं खाने के पैसे नहीं लग रहा है कि टॉयलेट करने के लिए टिकट लग। अच्छा ये मंदिर है देखो, अब अंदर चलते हैं। इसको रखना बाल भाई, कहीं पता चले आपसी में भी ले। आगे भाई देखो सामने मंदिर है, यही मंदिर है, अब दिखाता हूँ। ये देखो भाई यही मंदिर है, अंदर से देखो ये पिलर खड़े हैं। ये देखो भोलेनाथ की मंदिर, भोलेनाथ की मूर्ति है ये, मतलब स्टैंड अप करते हुए देख रहे हो। नटराज शिव देखो ये लिखा हुआ है। पता भाई ये जो मतलब मूर्तियां है ना, ये मतलब ये भगवानों को दर्शाती हैं जरा देख रहे हो। पुर्तगाल के लोगों ने इसे डैमेज कर दिया था, देख रहे हो। इसके अंदर शिवलिंग है भोलेनाथ का मंदिर। देखो भाई ये अंधकार सूर का वध किया था ना उसका दर्शाया गया है। ये देखो पुर्तगाल के लोगों ने थोड़ा सा इसको डैमेज किया था। और कहा जाता है ना भाई ये मंदिर ना 1500 साल पुराना है, 1500 साल। उधर भी कुछ है 1500 साल पुराना मंदिर है भाई, देखो आज भी टिका हुआ है इन पहाड़ों के बीच। देखो देख रहे हो जय भोलेनाथ हर हर महादेव। तो भाई देखो ये भोलेनाथ की मूर्ति हमारे, ठीक है, तपस्या में नील लीन है पूरे। देखो 1500 साल पुराने देखो कलाकार, पहाड़ों के अंदर खोद के बनाया गया था भाई ने। देखो मूर्ति थोड़ी सी हो गई है थोड़े भाई, इतने साल पुरानी, 1500 साल पुरानी देख रहे हो चीज़।
भाई भोलेनाथ की मूर्ति को दर्शाया गया है, और भी देखते हैं और भी जो भी होता है दिखा दो तुम्हें जैसा है, ठीक है। भाइयों यही था एलिफेंटा केव्स, ठीक है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, ठंडा ठंडा भी था और थोड़ी पहाड़ी भी है, व्यू अच्छा लग रहा है समुद्र का देखो, ठीक है। तो भाई लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे टिकटें बहुत है थोड़ा थोड़ा बैकअप बना के आना, कैश लेके आना, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती कहीं। तो चलते हैं आप सीधा अपनी बोट की तरफ, फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट गो। ये देखो भाई गड्डी निकल रही है अपनी, मेरे घूम दे समुद्र समुद्र अक्का मुंबई राज करेंगे। तो भाई तुम्हारा भाई चुका अपने घर, अपने स्वीट होम, ठीक है भाई। तो भाई बहुत ही मजा आया वहाँ पे जाके, और भाई मुझे पता नहीं था कि वहाँ मंदिर वगैरह है। तो भाई अच्छा लगा, भोलेनाथ के दर्शन भी हुए, और भाई वहाँ पे ना पहली बात तो मंदिर तो साल पुराना है, समझो कि कितनी पहले की बात होगी, और पहाड़ों के अंदर बना हुआ है, बहुत मस्ती आई, ठीक है। एक बार आप भी जाके ट्राई करना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो भाई अपन लोग इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।